हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन बन डोसा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। साथ में बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटनी। तो डोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़े कप तक चावल ले लिया। इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया। इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच तक। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं और इसे भीगने के लिए रख देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो 4 घंटे हो चुके हैं, चावल का पानी हमने हटा दिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसको पीस कर पेस्ट बना लेते हैं। तो ये चावल हम डाल देते हैं मिक्सी जार के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो आप आधा कप तक कच्चा नारियल डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में इसमें आधा कप तक आप पोहा भी पीस सकते हैं। मेरे पास अभी दोनों चीज़ नहीं है तो हम सिर्फ चावल से ही बना रहे हैं। तो चावल के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं इसका हमने एक थिक बैटर बना लिया है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए चावल को पीस कर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच तक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे एक दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे आपका डोसा काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। हमने एक दिन के लिए छोड़ के रखा था, लेकिन अभी ठंड की वजह से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो बैटर को अभी हम साइड में रखेंगे। अभी हम चटनी तैयार करेंगे। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा सूखा नारियल डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली। तो यहाँ पर हमने सूखा नारियल लिया। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो आप कच्चा नारियल ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मूंगफली और नारियल हमारे अच्छे से सिक गए हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में 2 से 3 कली लहसुन डालेंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक। यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ के प्याज को मोटा मोटा कट करके ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक कि प्याज का कच्चापन नहीं निकल जाता। इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा हमने सूखा करी पत्ता ले लिया है। तो हमारे पास सूखे वाले करी पत्ते हैं, हम इसको डालें। अगर आपके पास फ्रेश वाला करी पत्ता हो तो आप उसको डाल सकते हैं। खटास के लिए हम थोड़ी सी इमली डालेंगे। इसके बीज को हमने हटा दिया है और इसके साथ हमने 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मोटा मोटा कट करके ले लिया है। इसको डाल देंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक चला देंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ चना डाल देंगे। अगर आपके पास भुना चना नहीं है तो चने दाल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। यहाँ पर कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक 1 चम्मच तक, काला नमक आधा छोटा चम्मच तक। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे हम ठंडा होने देंगे। तो सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, जो हमने मूंगफली और नारियल भून के रखा है उसको डाल देंगे। टमाटर वाला मिक्सर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए अभी हम चटनी पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चटनी को बनाकर कई दिन तक के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और आप इसे किसी भी डोसे इडली आपे के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चटनी हमने तैयार कर ली है, चलिए फटाफट डोसा बनाते हैं। आप देख सकते हैं चावल को पीस कर हमने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, ये बिल्कुल भी फर्मेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, 9 डिग्री तक टेम्परेचर है, इसलिए बिल्कुल फर्मेंट नहीं हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक इनो और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो डोसा बनाने के लिए पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पर हम चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे। हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। डोसे वाला बैटर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा करके पैन के ऊपर डाल देंगे। तो ये बंद डोसा है, थोड़ा सा मोटा ही बनता है, इसको हम पतला नहीं करेंगे। और इसकी साइज़ को भी हमने थोड़ा सा छोटा रखा है। तो पैन के ऊपर एक साथ 2 डोसा आ गया है, इसको हम कवर कर देंगे और थोड़ी देर धीमी आँच पर पकने देंगे। तो थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन हटा दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको पलटकर दूसरी साइड से भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को सुबह, दोपहर या शाम कभी भी बना के खाएं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसके साथ जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।